हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो यहाँ हम लोग बात करने वाले हैं KBS इंटरव्यू के रिगार्डिंग कि आपको क्या तैयारी करनी चाहिए जिससे कि ये गलतियाँ ना करें, जिससे आपकी जॉब 4200 ग्रेड पे मतलब लेवल 6 जॉब जा सकती है। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से मेहनत किया है तो आपका अच्छा मार्क्स बन रहा होगा, 130 प्लस या 125 प्लस। तो अगर इतने आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपको अच्छे से लग जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए। और कुछ सिंपल सिंपल मिस्टेक है, उसको अगर आप लोग नहीं करेंगे और अभी से लगे रहेंगे तो आपके अब सफल होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। और एक न्यूज आया, RTI रिप्लाई आया है KBS PRT के नॉर्मलाइजेशन के रिगार्डिंग, तो उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे अभी। तो और एक इन्फॉर्मेशन एडिशनल मैं आपको दे देना चाहता हूँ कि आज के दिन यूपी में जो सुपर टेट के लिए बच्चे गए थे धरना के लिए लखनऊ में, तो वहाँ पर बात यही सामने आया कि छात्र शिक्षक अनुपात अभी बहुत सही है, इवन टीचर उससे ज़्यादा हैं जितना ज़रूरत है, तो इसलिए अभी कोई वैकेंसी का उम्मीद नहीं है, ऐसा न्यूज आया है। तो ये आप लोग जान सकते हैं, तो ये एक दुखद न्यूज है। तो इसके लिए जिन्होंने KBS के लिए अच्छे से प्रिपरेशन किया है वो ये मौका को ना गंवाएं और KBS में एक सीट अपनी पक्की कर लें, नहीं तो फिर अभी स्टेट में कब तक वैकेंसी आएगी इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। क्योंकि आप लोग भी जान रहे हैं 69,000 और 68,500 ये जो दो ऐसी वैकेंसी रही हैं कि उसके बाद से वैकेंसियाँ एकदम ठप हो गई हैं, खासकर यूपी में सुपर टेट के लिए। तो हम लोग बात करते हैं कि आपको क्या मिस्टेक नहीं करना है। तो सबसे पहले अगर आपका 130 प्लस या 125 प्लस अगर मार्क्स बन रहे हैं तो आप डेली का डेली इंग्लिश में कन्वर्सेशन करने की कोशिश करिए। और इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते समय कोशिश करिए कि कुछ लोगों से आप दिन भर में 15-20 मिनट इंग्लिश में बात करें। इंग्लिश में बात करने के लिए अगर आप लोग को कोई नहीं मिल रहा है तो ये कहेंगे तो हम ऐप का लिंक आपको दे देंगे कमेंट डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जोश स्किल करके ऐप है उसका लिंक हम डाल देंगे, उसका रिफरल कोड भी दे देंगे। अगर उससे करेंगे तो आपको बाद में 50 रुपीज़ का ऑफ भी मिल जाएगा, 450 रुपये में वो आपको 1 ईयर के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। उसमें क्या है कि आप लोग अनलिमिटेड एट रेंडम किसी से भी जो कि उसी ऐप के पे सीखने के लिए लोग आए हुए हैं तो वो भी इंग्लिश में आपसे बात करेंगे, आप भी उनसे इंग्लिश में बात करेंगे, तो आप उस पर उन लोगों से बात करेंगे जिससे कि आप काफ़ी चीज़ें सीख पाएंगे। इंग्लिश में जब बात करेंगे तो आपका मतलब जो होता है ना कि कॉन्शियस माइंड में चीज़ें अपने आप जाती रहेंगी, तो आप लोग को इंग्लिश में बात करने के लिए ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अभी क्या है, हम लोग को हिंदी बोलते हैं तो ट्रांसलेट थोड़ी ना करना पड़ता है, हम लोग डायरेक्ट बोल पाते हैं क्योंकि वैसे ही हम लोग के माइंड में ही ऑलरेडी जो अभी जैसे बोल रहे हैं तो एक कंस्ट्रक्ट हो रहा है ना कि किसी और, हम लोग उसको ट्रांसलेट नहीं करें। तो वैसे अगर आप इंग्लिश का भी प्रैक्टिस करने लगेंगे, इंग्लिश में बातें करने लगेंगे तो स्टार्टिंग में 15-20 दिन 25 दिन प्रॉब्लम होगी, मगर उसके बाद आप देखेंगे जैसे आप हिंदी बोलते हैं वैसे आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो ये बहुत टफ काम नहीं है, अगर इस पर कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, सिर्फ ब्रेन को ट्रेन करने की ज़रूरत है। तो उसमें अभी से आप कोशिश करिए, क्योंकि इस अभी रिप्लाई RTI का दिखाएंगे तो उसमें ये भी बताया गया कि आप उसके KBS के ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करते रहिए, कभी भी इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर आ सकता है, कॉल लेटर इन द सेंस कि एडमिट कार्ड आ सकता है। तो ये किसी को नहीं पता है कि 15 दिन 20 दिन या 25 दिन के अंदर आप लोग का इंटरव्यू हो सकता है, तो इसके लिए अभी से तैयारी करते रहें। और तो इसमें क्या हम बताएं कि आपको गलती क्या नहीं करनी है कि इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना है, इंग्लिश पे ध्यान देते रहना है, अपने कन्वर्सेशन स्किल को अभी से इंक्रीज करते रहना है। ठीक है, कन्वर्सेशन को ठीक, क्योंकि इन सब चीज़ों छोटी छोटी चीज़ों पे आप काम नहीं करेंगे तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि तुरंत 2-4-5 दिन में इस पर बहुत ज़्यादा आप काम नहीं कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा थोड़ा डेली का डेली अपग्रेड करते रहिए, अपने आप को अपडेट रखिए, थोड़ा करंट अफेयर की भी चीज़ों से भी समझते रहिए कि क्या चल रहा है प्रेजेंट में। और जैसे खालिस्तान वाला मामला इस समय काफ़ी चल रहा है, क्योंकि देखिए इंटरव्यू है तो आपको सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं। हाँ, मगर इंटरव्यू के समय आप अपने जेस्चर पे ज़्यादा फोकस करिएगा कि किस तरीके से आप अपने जैसे हैंड का यूज कर रहे किसी चीज़ को एलिब्रेट करने के लिए या समझाने के लिए, मतलब जेस्चर पर ज़्यादा फोकस करिए। अपने यूनिफॉर्म जो आप पहन कर जा रहे हैं उसको अच्छे ढंग से पहनिए, क्योंकि इन सब चीज़ों पर 2-4 नंबर इधर उधर डिवाइड होते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात कि कम से कम NCERT के बुक से इंग्लिश का पोएम और हिंदी में कविताएं एक दो तैयार करके कि उसको अगर आपको बताना पड़े
तो आप वहाँ पे उसको एलिब्रेट कर पाएँ। तो वो दो तीन चीज़ें आप अपने पहले से ही तैयार कर लें और उसको अच्छे से उस पर काम करें। और दूसरी बात, इसके अलावा आप लोग को लेसन प्लान इसकी भी तैयारी अभी से कर लेनी है, कि अगर वहाँ पे आप लोग को डेमो में तो ऐसे पढ़ाना ही पड़ेगा 15-20 मिनट, और वैसे अगर इंटरव्यू में भी अगर टीचर पोल्स देता है कोई टॉपिक देके, तो आपको वहाँ एलिब्रेट करना पड़ सकता है। तो आपको कम से कम लेसन प्लान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, यही इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए आपको सबसे पहले ये दिखा देते हैं RTI रिप्लाई। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो RTI रिप्लाई में, तो आपको जूम करके दिखा देते हैं कि क्या रिप्लाई में आया। यहाँ देखिए, एज इन्फॉर्म्ड बाई रिक्रूटिंग एजेंसी, मतलब रिक्रूटिंग एजेंसी इनको इन्फॉर्म किए KBS को, द प्रोविज़न फॉर नॉर्मलाइजेशन विल बी अप्लीकेबल टू द PRT एग्ज़ाम। ठीक है, PRT एग्ज़ाम पे नॉर्मलाइजेशन आपका अप्लीकेबल होगा, जो कि इनको जो रिक्रूटिंग एजेंसी है, आप सभी लोगों को पता है कि एक दिन में 2 पेपर हो रहा था, लगभग 6 से 7 दिन में पेपर हुआ है, तो ऑब्वियसली बात है नॉर्मलाइजेशन होगा ही। तो इसमें उनका स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला यूज वो लोग करते हैं, तो वो काफ़ी लेंदी होता है, और किसी को जब तक आपके पास कम से कम 50,000-60,000 कैंडिडेट का एक्चुअल डेटा ना हो, आप इसको बता भी नहीं सकते कि किसको फ़ायदा होगा किसको माइनस होगा। तो इसको आप फिलहाल के लिए इतना ध्यान इस पर ना दीजिए। अगर आपका 125 प्लस मार्क्स है तो आप अभी से इंग्लिश ग्रामर पे काम करिए, वोकैब पे काम करिए, और लेसन प्लान अच्छे से तैयार रखिए, और इसके साथ साथ थोड़ा कुछ पोयम और पोएट्रीज पे भी काम करिए, जिससे कि आप वहाँ पे अच्छे से अपने आप को मतलब पेश कर पाएँ, क्योंकि उसी बेसिस पे आपको मार्क्स मिलने हैं। ठीक, और दूसरी बात देखिए, यहाँ लिखा हुआ है फर्दर कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू विजिट KBS वेबसाइट रिगार्डिंग विथ रिगार्ड टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फॉर द रिटन टेस्ट इंटरव्यू CPT एंड अदर अपडेट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू की बात भी यहाँ पर कही गई है, CPT की भी बात कही गई। तो CPT तो कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिसके लिए CPT जरूरी है, और कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनके लिए Level 2 भी जरूरी है। KBS में आपको पता है कि कमिश्नर से लेकर TGT, PGT, PRT और भी बहुत सारे वैकेंसी थे, तो उनकी बात हो रही, तो आप लोगों के लिए इंटरव्यू की बात है। तो इसके लिए इन्होंने कह रहा है कि आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट KBS के वेबसाइट पर रेगुलरली विजिट करते रहना चाहिए। तो ये सारा का सारा अपडेट है, और तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, और भी कोई अपडेट होगा तो आपको दे दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।